अड़वी ने बाबा इसको सर अंदर जा प्रशासन किया जाए सदन निर्माण कुशवाहा विचार मंच हर वर्ष सामाजिक कार्यक्रम चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेती है। इसी के कड़े में आगे बढ़ते हुए हमारा अतिथि युवा है उनको तह दिल से सबों को शुभकामना। ये एकमात्र पर्व है जो आज पूरे भारत में भी भारत की पहचान बना है और दुनिया में भी बिहारियों ने बनाई है, पूरे उत्तर प्रदेश ने बनाया है। एकमात्र पर्व है जो लोक आस्था सद्भाव का पर्व है और जहां डूबते हुए सूरज की पूजा पहले होती है, उगते हुए की बाद में होती है। अनुशासन व्रत, सभी व्रतियों को बहुत प्रणाम, धन्यवाद। आज करीब करीब 2000 प्रसाद हम लोग के यहाँ से वितरण हुआ छठ का। हम पटना वासियों ने प्रदेश सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उनका उन्नति और सुख समृद्धि छठी मैया सबको दे, धन्यवाद धन्यवाद। छठ मैया से क्या कामना करती हूँ? छठ मैया से यही कामना करती हूँ सबों को उन्नति दे और जो सब छठी करती हैं कोई भी जात हो सब का अर्घ लेती हैं। मैं सभी को बोलती हूँ पटना वासियों को बिहार वासियों को कि छठ हम लोग का सबसे महापर्व है बिहार का, विदेशों में भी होता है। मैं सभी को धन्यवाद दूंगी सुख समृद्धि के और उन्नति की कामना करती हूँ। प्रदेश की खुशहाली के लिए क्या मांगती है? प्रदेश में अच्छा हो और संजय जी ये लोक आस्था का ये महापर्व है और कोई व्यक्ति छठ पूजा से वंचित न हो जाए इसके लिए बड़े पैमाने पे स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यक्ति लोगों के बीच में सब प्रकार की पूजन सामग्री का मुफ्त में वितरण करते हैं। आज यहाँ निवर्तमान महापौर श्रीमती सीता साहू के आवास पर सैकड़ों व्रतियों को सब प्रकार की पूजन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। छठ के इस महापर्व पर मैं समस्त बिहार वासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भास्कर से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबके घर में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा करें। बउआ ले ली, बउआ ले लीजिए ले इसको आदमी
हाथ में ले लीजिए, हाथ में ले लीजिए। सभी मतदान भवन से अनुरोध है कि कृपया कर लाइन में रहे, भक्का मुक्ति नहीं करें। सभी के लिए यहाँ सूक्ष्म अपहरण किया गया है, कोई नहीं छुटेगा, सबके लिए है।